अब हम चलते हैं ढोकले बनाने की प्रोसेस में। उसके लिए हमें चाहिए 1 कप दही। दही थोड़ा फेंट लेंगे हम इसमें डाल के। फेंटने से क्या होता है, लम्स नहीं रहते हैं जब हम बेसन डालते हैं ना, तो ये अच्छे से मिक्स हो जाता है। 1 कप हमने दही डाला था, अब उसी कप के बराबर हम बेसन डालेंगे। तो हम 3 लोगों के हिसाब से बना रहे हैं। तो हम इसमें 2 कप बेसन और 1 कप रवा यूज करेंगे। रवा ऑप्शनल है। एक कप सूजी डालेंगे, क्योंकि ये सूजी और रवा से जो बनते हैं ढोकले वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 मीडियम साइज का लेमन जूस डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी भी इसमें मिक्स करेंगे। पानी आप थोड़ा थोड़ा ही मिक्स करें। अब इसमें हम इनो डालेंगे। इसे कट करेंगे कैंची से। देखिए ये इनो डाल दिया है हमने, और धीरे धीरे इसे मिक्स करेंगे। आप हल्के हाथों से ही मिक्स कीजिए बैटर को, और एक ही डायरेक्शन में मिक्स कीजिए, जिससे क्या है एयर आ सके और आपका ढोकला फ्लफी और बहुत ही डिलीशियस बन सके। देखिए कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं, इसी टाइप की रखिए। आप सारी चीज़ें फॉलो करेंगे जो मैंने बताई हैं, आपका ढोकला बहुत ही अच्छा बनने वाला है। देखिए मैंने मिक्स कर रही हूँ। ये मोल्ड को मैंने ग्रीस कर लिया था। इसमें सारा बैटर डाल देंगे अच्छे से, और बहुत ज़्यादा ऊपर तक मत भरिए, नहीं तो क्या है ढोकला फूलता है थोड़ा सा, तो दिक्कत आएगी। आप इसको हाफ ही फिल कीजिए। देखिए इसे टैप कर लेंगे, और देखिए पानी उबल चुका है। अब इसमें जो मोल्ड है ये हम रख देंगे। आराम से रखिए आप, और इसे ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट तक इसे कुक होने देंगे। देखिए ये कुक हो चुका है। अब हम इसे नाइफ से चेक करेंगे ये प्रॉपर कुक हुआ है या नहीं। देखिए अगर ये चाकू क्लीन निकले तो समझ जाइए कुक हो गया है। ये देखिए ये हमारा कुक हो चुका है, हमने इसे निकाल लिया है। अब इसे नाइफ की सहायता से चारों तरफ से किनारे से चाकू घुमा देंगे, जिससे कि वो आसानी से निकल सके। अब इसे हम निकाल लेंगे प्लेट में रखकर, और इसे चाकू से थोड़ा टैप टैप करेंगे जिससे ये निकल जाए। देखिए हमने इसे पीसेस में कट कर लिया है, देख रहे हैं आप कितना अच्छा दिख रहा है ये। और देखिए अब देखिए कितना अच्छा बना है, फ्लफी बना है, देख रहे हैं ना आप, बहुत अच्छा लग रहा है ये। चलिए अब तड़के के लिए चलते हैं। इसमें हमने राई डाल दी है। देखिए राई को स्प्लैटर होने तक कुक करेंगे। फिर इसमें हरी मिर्ची डालेंगे, हरी मिर्ची को थोड़ा सा कुक करेंगे। फिर इसमें हम करी पत्ता डालेंगे, फ्रेश करी पत्ता डालिए, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देखिए आप ये हमने डाल दिया है करी पत्ता। इसे थोड़ा सा कुक करेंगे 2 से 3 सेकंड। फिर इसमें हम अपना ढोकला डालेंगे और हल्के हाथों से इसे मिक्स करेंगे। फ्लेम को आप लो ही रखिए। देखिए इस तरह जो जैसे मैं कर रही हूँ, आप ध्यान से ज़रूर देखिए। ये हमारा हो चुका है रेडी। अब इसे निकाल लेंगे। देखिए आप कितना डिलीशियस लग रहा है। ओह माय गॉड।